मैं रेणु के खास गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गुरुवार को मालवा मिल व्यापारी महासंघ और यातायात पुलिस के सहयोग से मालवा मिल चौराहे की पुलिस चौकी का नवीनीकरण व्यवस्थित बनाकर नई पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया, जिसका लोकार्पण महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाड़िया, क्षेत्रीय पार्षद और MIC सदस्य नंद किशोर पहाड़िया एवं एडिशनल DCP सुशील तिवारी द्वारा किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम के बारे में मनोज खत्री ने महापौर को बताया कि यदि HTC की जमीन मिल जाए और वाहन पार्किंग बनाया जाए तो इस क्षेत्र में पार्किंग की समस्या काफी हल हो सकती है। महापौर द्वारा चौकी प्रभारी संतोष शुक्ला का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मालवा मिल के व्यापारी और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। इंदौर से संवाददाता दिनेश आचार्य की रिपोर्ट। इंदौर में जन भागीदारी से हम स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन शहर में बढ़ते ट्रैफिक को दबाव को कम करने की दृष्टि से ट्रैफिक में नंबर 1 बनने के उद्देश्य से लगातार ट्रैफिक पुलिस RTO इंदौर नगर निगम का ट्रैफिक विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे वो सड़कों का चौड़ीकरण हो, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना हो, कुछ सड़कों को वन वे करना हो, नए पुल बनाना हो। अभी लगभग 23 छोटे बड़े पुलों का निर्माण इंदौर में लगातार जारी है, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण ये है कि जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस के साथ ही हमारे दिन रात काम कर रहे हैं, उनके लिए बैठने का कुछ स्थान हो, एक ऐसा स्थान हो जहाँ से लोग सहायता मांग सकें। तो सहायता केंद्र लगातार अब अलग अलग जगहों पर हम और बनाएंगे। आज मालवा मील चौराहे पर सहायता केंद्र की शुरुआत हमने की है, जो ट्रैफिक के इस काम को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करेगी। इस अवसर पर विधायक महेंद्र हाड़िया जी, पुलिस ऑफिसर सुशील तिवारी जी, हमारे नंदू पहाड़िया जी, पार्षद प्रणव मंडल, यहाँ के सभी स्थानीय व्यापारी, नौजवान साथी उपस्थित थे। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि उनके सहयोग और योगदान से ये काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। थैंक यू।